तो हे गाइस, कैसे मेरा गांधी फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था, कैसे मैंने अप्लाई किया था, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आप जो है मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं कैसे गांधी फेलोशिप के लिए मेरा कंफर्मेशन आया था, कैसे मैं एक गांधी फेलो बनी हूँ। दुनिया पे आपका फिर से स्वागत है। तो हर सुबह की तरह मेरा यहाँ पे लेमन टी जो है वो तैयार है। तो एक्चुअली वो तो हर सुबह की तरह मेरा यहाँ पे लेमन टी तैयार है। और ये पीते पीते मुझे याद आया है कि आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करना है। बिकॉज मुझे जब कंफर्मेशन आया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ही ज़्यादा कॉल आया था कि आपने कैसे उसको अप्लाई किया, उसका प्रोसेस क्या था। तो यस, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा गांधी फेलोशिप के ऊपर। गांधी फेलोशिप इज़ ए रियली गुड प्रोग्राम फॉर एवरी सोशल वर्कर, नॉट फॉर एवरी सोशल वर्कर, जो लोग भी मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना चाहते हैं। सो इट्स ए रियली गुड थिंग फॉर टू स्टार्ट योर करियर फॉर 2 ईयर, वो 2 साल का प्रोग्राम रहता है। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन डेट होता है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देने पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन आता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है, कैसे कैसे मैंने किया है, कैसे कैसे मुझे कंफर्मेशन मिला है, कैसे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, कैसे मैंने ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया, कैसे मैंने एप्लीकेशन जो है उसको फिलअप किया, हर चीज मैं आपको बताने जाऊंगी। बिकॉज मुझे जब कंफर्मेशन आया था, बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेजेस कॉल करके पूछा था कि आपने कैसा किया, कैसे क्लियर किया, हमको भी गांधी फेलोशिप करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गांधी फेलोशिप के बारे में उनको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि अप्लाई कैसे किया जाता है, अगर अप्लाई करते हैं तो उसको क्लियर कैसे किया जाता है, उनको पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरा मतलब अप्लाई करते करते हो गया, तो अल्लाह के दुआ से। तो मैं आपको मदद करूंगी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको गांधी फेलोशिप में अप्लाई करना है, आपको भी एक गांधी फेलो बनना है, आपको भी सुनहरा 2 साल गांधी फेलो के साथ आपको बिताना है, तो ये ब्लॉग आप सब के लिए है। लेकिन डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं सब डिटेल्स आपको बताऊँगी, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे मेरा फिलअप किया, कैसे मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ है, कैसे मैंने इंटरव्यू में बात किया, कैसे मैंने ग्रुप डिस्कशन पे बात किया, हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे लग रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप सबको शेयर करना है, ताकि सबको एक क्लियरिटी मिल जाए। और फिलहाल के लिए तो मेरा ये चाय मुझे एंजॉय करने दीजिए। और क्या बोलने वाली थी, यस, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, ये ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, परवीन की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, कुछ एडिशन चाहिए कॉमेंट कर दीजिए। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, एक नया दिन के साथ। बाय गाइज़।